पाठ 14 हंस किसका। आओ बच्चों इस कहानी को ध्यान से पढ़ें। एक राजकुमार था, उसका नाम सिद्धार्थ था। वह बहुत दयालु था, उसे पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन सुबह के समय सिद्धार्थ अपने बगीचे में घूम रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, पक्षी चहचहा रहे थे। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। उसने ऊपर देखा, तभी एक हंस उसके पैरों के पास आकर गिरा। हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था, वह छटपटा रहा था। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया, प्यार से उसके पंखों पर हाथ फेरा, धीरे से तीर निकाला, फिर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। इससे हंस का छटपटाना कुछ कम हुआ। तभी वहां सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त दौड़ा आया। उसके हाथ में धनुष बाण था। हंस को सिद्धार्थ के हाथों में देखकर वह बोला, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, नहीं, यह हंस मेरा है, मैंने इसे बचाया है। सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सामने ही राजा शुद्धोदन खड़े थे। देवदत्त ने उनसे शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। सिद्धार्थ बोला, पिताजी, देवदत्त ने हंस को तीर मारा था, वह घायल हो गया, मैंने इसे पट्टी बांधी, अब यह हंस मेरा है। देवदत्त बोला, नहीं नहीं, यह मेरा है, मैंने इसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ बोला, लेकिन मैंने इसे बचाया है। राजा ने दोनों की बात सुनी, थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, देवदत्त, तुमने इसे अपने तीर से गिराया है, परंतु सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है, इसलिए हंस सिद्धार्थ का है। बच्चों, यही राजकुमार सिद्धार्थ बड़ा होकर गौतम बुद्ध बना, जिसने संसार को अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। आओ बच्चों इसकी अभ्यास करें। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। हंस हंस, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, तीर तीर, भाईचारा भाईचारा, प्रेम प्रेम, राजकुमार राजकुमार, देवदत्त देवदत्त, पट्टी पट्टी, संसार संसार, बंद बंद। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। कीड़े किले, खंभ पंख, जख्मी घायल, पंछी पक्षी, तीर कमान धनुष बाण, शब्दार्थ राजकुमार राजा का बेटा, प्यार प्रेम, चचेरा भाई मतलब चाचा का बेटा, हक अधिकार, घायल मतलब जख्मी, परोपकार दूसरे का भला करना, सहानुभूति हमदर्दी, दयालु कृपायुक्त, छटपटाना मतलब तड़पना, राजमहल राजा का महल, घाव मतलब जख्म, अहिंसा किसी को हानि ना पहुंचाना, भाईचारा भाई का नाता या भाव। बताओ, प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, राजकुमार का क्या नाम था? इसका उत्तर है, राजकुमार का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कहाँ घूम रहा था?
सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था। तीसरा, हंस क्यों छटपटा रहा था? क्योंकि उसके शरीर पर तीर लगा हुआ था। चौथा, सिद्धार्थ ने हंस की क्या सहायता की? सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर निकालकर घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी। पांचवा, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का क्या नाम था? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ के चचेरे भाई का नाम देवदत्त था। सिद्धार्थ के पिता ने हंस किसे और क्यों दिया? सिद्धार्थ के पिता ने हंस सिद्धार्थ को दिया क्योंकि उनके अनुसार मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है। सातवां, सिद्धार्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। आठवां, गौतम बुद्ध ने संसार को कौन सा पाठ पढ़ाया? इसका उत्तर, गौतम बुद्ध ने संसार को अहिंसा, प्रेम, दयालुता, करुणा, सहानुभूति, दया, परोपकार और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। वाक्य पूरे करो। पहला, बगीचे में डैश फूल खिले हुए थे। इसमें शब्द आएगा रंग बिरंगे। दूसरा, हंस के शरीर में डैश लगा हुआ था, तीर। तीसरा, मारने वाले से डैश का हक ज्यादा होता है, बचाने वाले। चौथा, सिद्धार्थ बड़ा होकर डैश बना, गौतम बुद्ध। पांचवा, डैश सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। इसमें शब्द आएगा देवदत्त। पढ़ो और समझो। क, पक्षी पंछी, बगीचा उपवन, तीर बाण, शरीर तन, पंख पर, राजा नृप। बच्चों, ये समानार्थक शब्द हैं। ख, राजकुमार, राजा का कुमार, राजमहल, राजा का महल। पशु पक्षी मतलब पशु और पक्षी। धनुष बाण, धनुष और बाण। अंतर समझो। क, हंस के शरीर में तीर लगा हुआ था। जोकर को देखकर मैं हंस पड़ा। पहले वाक्य में हंस पक्षी का नाम और दूसरे वाक्य में हंस का मतलब हंसना। ख, सिद्धार्थ हंस को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। देवदत्त ने शिकायत की कि सिद्धार्थ मेरा हंस नहीं दे रहा। पहले वाक्य में ई का प्रयोग दिशा के रूप में किया गया है और दूसरे वाक्य में संयोजक के रूप में किया गया है। रचनात्मक अभिव्यक्ति। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। पहला, बालक डैश को डैश खिला रहा है, मुर्गियों को दाने। दूसरा, बालिका डैश को डैश पिला रही है, गाय को पानी। तीसरा, पिताजी डैश को सहला रहे हैं, कुत्ते। इस तरह दिया होर वीडियोस लिए सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।